Now, after the theme which we have talked about, we will talk about modality of treatment. Modality of treatment means what type of treatment we are going to use for this specific patient or a client. So it begins with assessment information, जो कि already हमारे पास है, and diagnostic decisions to determine our treatment plan. के आपकी जो डायग्नोस्टिक टीम या आपकी डायग्नोसिस जो फॉर्मल असेसमेंट इनफॉर्मल असेसमेंट के बाद इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो हेल्प करेगी कि आपने इस पेशेंट का इलाज किस तरह करना है. आया उसे मेडिकेशन की भी जरूरत है या सिर्फ उसे थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की जरूरत है या उसको किसी और तरह की, तो मैनेजमेंट इसमें साइकेट्रिक कंडीशन में नहीं आएगी, मेनली ये दो ही है, या ये भी पॉसिबल है कि दोनों की जरूरत है, उसको मेडिकेशन की भी जरूरत है और उसको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की भी जरूरत है. सो मेनली देर आर टू टाइप ऑफ इंटरवेंशन विच आर रिक्वायर्ड और ट्रीटमेंट विच आर रिक्वायर्ड. वन इज मेडिसिन एंड द अदर वन इज साइकोथेरेपी. तो जरूरी नहीं है कि हर मरीज को मेडिसिन की जरूरत हो और ये भी जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट अवे साइकोथेरेपी की भी जरूरत हो. लेकिन ये बहुत सी रिसर्चेज ऐसी हैं जिन्होंने ये इंडिकेट किया है कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स में अगर चाहिए हो तो दोनों का कम्बिनेशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि साइकोथेरेपी के थेरेपी होती क्या है ये अंडरस्टैंड करना. दिस इज अ ट्रीटमेंट विच इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूजेस बाय अप्लाइंग वेरियस थेरेप्यूटिक टेक्निक्स. अब वो थेरेप्यूटिक टेक्निक्स का जो है वो मतलब ये है कि हर थेरेपी जो भी उनका स्कूल ऑफ थॉट है या जो भी वो रिजीम फॉलो कर रहे हैं या जो भी लाइक फॉर एग्जांपल साइको एनालिसिस है या बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है या कॉग्निटिव अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक है, ये डिपेंड करता है कि थेरेपिस्ट की अपनी अप्रोच क्या है. उसके अंदर फिर फर्दर टेक्निक्स होती हैं जो कि हर क्लाइंट के ऊपर आप हर टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते. सो ये एक ट्रीटमेंट की मोडेलिटी डिसाइड करनी है एक थेरेपिस्ट ने कि मैंने कौन सा ट्रीटमेंट इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ या स्पेसिफिक डिसऑर्डर के साथ यूज करना है. इसमें जो डिफरेंट मोडेलिटीज हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडेलिटीज विच कैन बी यूज. एंड अभी जो लीडिंग, जिस तरह हम टिपोलॉजी बताएं मोडेलिटीज की, तो लीडिंग थेरीज एंड प्रोफेशन जो कि क्लिनिकल, अब हर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उसमें जरूरी नहीं है कि वो एक ही मोडेलिटी या एक ही स्कूल ऑफ थॉट या एक ही थेरी के बेस्ड थेरेपी यूज कर रहा हो, बल्कि वो कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकता है. सो इफ वी लुक एट, देर इज साइको एनालिटिकल अप्रोच, देन वी लुक एट बायोलॉजिकल अप्रोच. साइको एनालिटिक अप्रोच में नेक्स्ट, क्योंकि ज्यादा डिटेल में हम थेरीज में पढ़ेंगे और मॉडल्स में पढ़ेंगे, ये आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी का कोर्स है. थेरेपी की टेक्निक्स की जो आपको ज्यादा डिटेल है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के कोर्स में प्रोवाइड की जाएगी. सो हेयर आई विल जस्ट लेट यू नो कि साइको एनालिटिकल जो अप्रोच है दैट इज बेस्ड ऑन फ्राइड साइकोडायनेमिक थेरी. और साइकोडायनेमिक थेरी जो है वो बेसिकली उसका प्रोपोनेंट फ्राइड था, लेकिन उसके बाद न्यू फ्राइडियन और दूसरे लोगों ने भी उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आगे टेक्निक्स बताई. उसके बाद आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है. बायोलॉजिकल ऑफकोर्स रिफर्स टू मेडिकेशन, जो भी मेडिसन है. फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बायोलॉजिकल ही कहते हैं. देन इज बिहेवियरल मॉडल और बिहेवियरल थेरीज, जो के बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं, जिसके अंदर मेनली दो तरह की थेरेपीज हैं, जो क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि इन दोनों का मिक्सचर है. तो बिहेवियरिस्टिक टेक्निक्स बेसिकली बिलीव इन चेंजिंग योर बिहेवियर थ्रू रीएनफोर्समेंट और थ्रू मैनिपुलेटिंग योर एनवायरमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, और यू नो देर आर सर्टन काइंड ऑफ टेक्निक्स विच दे यूज इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज इन योर बिहेवियर और इन क्लाइंट्स बिहेवियर. देन देर इज कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट, जो कि अपनी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन बताता है, जैसे बैक कॉग्निटिव थेरेपी है या एल्बर्ट एलर्स की आरईबीटी है. सो इसके अलावा आपकी एक और स्कूल ऑफ थॉट है या एक और परस्पेक्टिव है या मॉडल है जो कि ह्यूमनिस्टिक है, और एक है जो कि एग्जिस्टेंशियल है. ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट और एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट जो है उनकी अपनी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन हैं जिनके ऊपर वो बेस करके पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं. एंड देन सोशियो कल्चरल, सोशियो कल्चरल मीन के हाउ यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो कि आपके पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है या मैनिफेस्ट कर रहा है, और किस तरह आप उसकी इन सोशियो कल्चरल पेशेंट में चेंज लाएंगे ताकि वो सोशियो कल्चरल जो चेंजेस हैं उनको किस तरह से बेहतर तरीके से उनमें एडजस्ट हो सके.
So all these school of thoughts are the ones which are helping clinical psychologist to decide ke usne kaun si therapeutic intervention use karni hai. उसमें मैं यही से कि यहाँ पे जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है या जो बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो साइकोलॉजिस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करता, लेकिन हैविंग सेड दैट आपको जरूर इलम होना चाहिए कि एक पेशेंट जो है वो मेडिसिन ले रहा है या उसको मेडिसिन की जरूरत है. अगर वो मेडिसिन ले रहा है, कौन सी ले रहा है, और उसके जब आप थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन उसको देंगे तो फिर आपका उसके साथ इंटरेक्शन में क्या होगा. लेट्स से कि पेशेंट इज गिवन एंग्जाइटिक मीन एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन टू स्लीप, तो वो स्लीप इंड्यूस्ड होगी, तो आपके सामने अगर वो ड्राउजी स्टेट में बैठा हुआ है और ही इज और शी इज नॉट एबल टू फोकस, तो आपकी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन उसके ऊपर हेल्प नहीं करेगी. या आपको यही इलम होना चाहिए कि जो क्लाइंट है उसकी जो मेडिसिन दी जा रही है वो कब से ले रहा है, और इसके अलावा आया वो दूसरी मेडिकेशन भी ले रहा है, हो सकता है उसको कोई बायोलॉजिकल कंडीशन दूसरी भी हो. तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है इन टोटैलिटी, ताकि आप पेशेंट को बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें.